आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज 9 सितंबर है और जुम्मे के दिन है, तो आज आपको दरगाह शरीफ की बाहर से लेके सीधे दरगाह शरीफ के अंदर ले चलेंगे, मेन गेट से माहौल दिखाते हुए आज की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। आज 9 सितंबर के दिन दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल कैसे, अंदर की माहौल कैसा है, और दरगाह शरीफ भी ज़ियारत करवाएंगे, तो बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए। आज आपको पहले ज़ियारत करवाएंगे आताए नूर से, और आताए नूर की मंजर भी कैसे है वो भी आपको दिखाएंगे, और आताए नूर से आपको सीधे ले चलेंगे आस्थान शरीफ के 2 नंबर गेट के सामने यानी पायती में, पायती से भी आपको आस्थान शरीफ ज़ियारत करवाएंगे, वहाँ के मंजर दिखाएंगे, और सीधे ले चलेंगे आपको बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के सामने, बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ ज़ियारत करवाएंगे, अम्माजन के दरबार शरीफ भी ज़ियारत करवाएंगे। तो बना रही है, अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो। जी, वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलामुअलैकुम आशिकाने फाजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी मुबारक हो। और आज जुम्मे के दिन है, तो आप सबको जुम्मे बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज पहले दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल आपको दिखाएंगे। देखिए दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल यानी दरगाह बाजार की, जी ये देखिए सुभान अल्लाह, दरगाह बाजार से मेन गेट दरगाह शरीफ के, इसी गेट से आप अंदर दाखिल होते हैं, तो देख लीजिए आज इस गेट के सामने का मंजर कैसे है। आज जुम्मे के दिन है और 9 सितंबर है, तो माशाल्लाह आज देखिए कैसी लग रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जुम्मे के दिन है तो आज की माहौल देख लीजिए, माशाल्लाह रंगील माहौल है, सुभान अल्लाह, ये देखिए कितने बेहतरीन माहौल बन चुके हैं। तो ये है मेन गेट, मैं आपको बिल्कुल मेन गेट की पास लेके आया हूँ, और इसी गेट से मैं आपको सीधे अंदर ले चलेंगे। तो देखिए ये मेन गेट के सामने का भी माहौल कैसे है, कैसे मंजर है, सुभान अल्लाह, देख लीजिए सुभान अल्लाह। इसी गेट से मैक्सिमम जायरीन अंदर जाते हैं, और आपको भी इसी गेट से अंदर लेके चलेंगे। तो देख लीजिए इस गेट के सामने का मंजर कैसे बन चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है आपको सुबह 9, तो माशाल्लाह सुबह 9 बजे का ये मंजर है, देख लीजिए आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, देख सकते हो आप। जी, तो मेन गेट पर आपको लेके आया हूँ, अब मेन गेट से मैं आपको अंदर एंट्री करा चुका हूँ, और अंदर के भी मंजर आप देख लीजिए, माशाल्लाह आज जुम्मे का दिन है, कितने बेहतरीन मंजर है। और अभी सुबह 9 बज रहा है, तो सुबह 9 बजे का ये मंजर आप देख सकते हो। आज जुम्मे का दिन भी है, तो कल के मंजर कुछ और था और आज के मंजर कुछ और है, तो देख लीजिए आज माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये बुलंद दरवाज़े के सामने का मंजर देख लीजिए, सुभान अल्लाह, ये बुलंद दरवाज़ा, जी देखिए आप। और इधर आप ये देखिए अकबरी मस्जिद, जी इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ अकबरी मस्जिद, और अकबरी मस्जिद के आसपास भी देख लीजिए आप। जी, इधर आसपास की मंजर देख लीजिए, अकबरी मस्जिद है, ज़ियारत कीजिए, देख लीजिए। और इधर आप देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट का मंजर देखिए और ज़ियारत कीजिए, ये है 2 नंबर गेट, और मैं आपको 1 नंबर गेट से अंदर लेके आया हूँ। और ये बुलंद दरवाज़े के नीचे का चहल पहल, आज जुम्मे का दिन है और 9 सितंबर है, अभी सुबह 9 बज रहा है। जी, तो ये देखिए सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खूबसूरत प्यारा मंजर है। और ये देखिए छोटी डेक, ज़ियारत कीजिए, और छोटी डेक के ऊपर का मंजर भी आप देख लीजिए। और इधर देखिए आप बड़ी डेक, जी ये है बड़ी डेक, बड़ी डेक को भी देख लीजिए, ज़ियारत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से गुंबद शरीफ देखता, लेकिन आज नहीं देखेंगे क्योंकि ऊपर से पैक कर दिया गया, जो कल शेख हसीना आया था उसकी वजह से पैक किया, और जुम्मे का दिन भी पैक होते क्योंकि ऊपर से धूप ना आए, धूप से राहत मिलने के लिए। तो देखिए यहाँ का मंजर भी कैसे है, अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। 3 नंबर गेट, जी ये देखिए 3 नंबर गेट, बाहर से आने जाने का लंगर खाना गेट, 3 नंबर गेट, जी ये 3 नंबर गेट देख लीजिए, ज़ियारत कीजिए। और 3 नंबर गेट से अंदर एंट्री होती है, जो जगह आ जाता है उजू खाना, तो उजू खाना सामने का भी मंजर आज देख लीजिए, जुम्मे के दिन है, कैसे मंजर है माशाल्लाह, देखिए ये है उजू खाना की मंजर है माशाल्लाह, ये देखिए लोग उजू बना रहे हैं। और अभी जुम्मे के नमाज़ की काफ़ी टाइम है, अभी देखिए उजू बना रहा है, और जो जायरीन चाहे तो दरगाह शरीफ ज़ियारत कर रहा है, तो दरगाह शरीफ ज़ियारत के बाद माशाल्लाह आने वाला जायरीन सभी अपने खूब नसीब समझते हैं, और सबकी तकलीफ दूर हो जाती है, सुभान अल्लाह। ये अम्माजन के दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, यानी हुजूर गरीब नवाज़ की बीबी साहिबा के दरगाह, इधर से ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए संदली मस्जिद के अंदर की मंजर, जी ये है संदली मस्जिद, देखिए यहाँ पर लोग कैसे इबादत कर रहे हैं। तो मैं आपको रोज़ 4 गेट ज़ियारत करवाता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर, बाकी गेट
प्लस साइट अलग से आ जाता है, इसलिए वो हम ज़ियारत नहीं करा पाता, कभी कदर कर देते हैं, लेकिन कभी हम फिर करवाएंगे इंशाल्लाह। 4 नंबर गेट भी दिखाएंगे, 5 नंबर गेट भी आपको इंशाल्लाह कभी ज़ियारत करवाएंगे। तो ये देखिए आताई नूर में आए हो, सुबह अल्लाह आताई नूर यहाँ से गुम्बद शरीफ देखता है, लेकिन आज नहीं देख रहा क्योंकि ऊपर से पैक है। तो देखिए आताई नूर की मंजर आप देख लीजिए, यहाँ पर जायरीन कितने हैं, कैसे लोग कहाँ पर इबादत कर रहा है, कैसे चहल पहल है देख लीजिए। आज जुम्मे का दिन है, देखिए आज आताई नूर की मंजर कैसा है, सुभान अल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये आताई नूर की मंजर। मैं आपको रोज़ की रोज़ लाइव वीडियो बना के दिखाता हूँ, आप ये मत समझना जो पुराना वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं, मैं रोज़ लाइव बनाता हूँ, सुभान अल्लाह। तो देखिए आज आताई नूर से आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देखिए आज आताई नूर में कितने ज़ायरीन हैं, कैसे आस्था शरीफ ज़ियारत कर रहा है, और आप भी ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए, सुभान अल्लाह। अभी आपको मैं बिल्कुल आस्था शरीफ दिखा रहा हूँ आताई नूर से, जी ज़ियारत कीजिए। और देखिए आज आताई नूर में कितने ज़ायरीन हैं, आज की आताई नूर की मंजर माशाल्लाह बेहतरीन है, जुम्मे के दिन है और अभी सुबह 9 बज रहे हैं, देख लीजिए। रोज़ इस तरह मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, आप रोज़ लाइव इस तरह ज़ियारत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि रोज़ इस तरह आपको लाइव ज़ियारत भी हो जाएंगे और माहौल का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए आताई नूर की कतार कितनी लंबा है, सुभान अल्लाह, ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह। जितना ज़ियारत करते उतनी अच्छा लगता है माशाल्लाह, हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार शरीफ जितने तक ज़ियारत करते उतना ही अच्छा लगता है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार शरीफ देखने के बाद जन्नत जैसे महसूस होता है और मदीना जैसे मंजर लगता है माशाल्लाह, बेशक। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर 12 महीना सदा आबाद इस तरह रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं अपना परेशानी को दूर करने। तो देखिए आज आताई नूर की मंजर कैसा है, और ये देखिए कतार कितने लंबा है माशाल्लाह, आज भी जुम्मे का दिन है, देखिए और ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह। आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपको पूरी दिन अच्छा जाएंगे हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार शरीफ ज़ियारत के बाद, सुभान अल्लाह। आपको जो भी काम रुकावट है हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार शरीफ ज़ियारत के बाद सभी काम आपको आसान हो जाएंगे, बेशक। ये हुजूर गरीब नवाज़ हिंदल अली की दरबार शरीफ है, यहाँ जो ज़ियारत करते हैं उनको तकदीर चेंज हो जाती है, बेशक सुभान अल्लाह। ये देखिए गुम्बद शरीफ देख लीजिए इधर से, गुम्बद शरीफ आज देखना मुश्किल है क्योंकि ऊपर से पैक है सारी तरफ से, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज़ भी है। तो माशाल्लाह जुम्मे के नमाज़ से पहले मैं आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत करवा रहा हूँ और माहौल का भी आपको नज़ारा करवा रहा हूँ, देख लीजिए। ये है पायती का माहौल, पायती के मंजर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी कितने ज़ायरीन हैं और यहाँ पर कबली भी हो रहा है। तो कबली के पीछे खड़ा होकर मैं आज आपको पायती गेट ज़ियारत करवाएँगे, सुभान अल्लाह। ये देखिए पायती का दलन और यहाँ पर कबली हो रहा है, कबलियों के पीछे खड़ा होकर मैं आपको सुभान अल्लाह, ये पायती गेट सुभान अल्लाह ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है पायती गेट, सुभान अल्लाह ज़ियारत कीजिए, माशाल्लाह। हुजूर गरीब नवाज़ की दरबार शरीफ ज़ियारत के बाद आपको तमाम परेशानी दूर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कबली भी हो रहा है और मैं बिल्कुल कबली के पीछे खड़ा होकर पायती गेट का पूरा नज़ारा करवा रहा हूँ और पायती गेट से आपको आस्था शरीफ ज़ियारत करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे सामने ज़्यादा देर तक खड़ा होने नहीं देते क्योंकि यहाँ पर भीड़ जमा हो जाते हैं, इसलिए आज मैं कबली के पीछे खड़ा होकर आपको पायती गेट ज़ियारत करवा रहा हूँ। तो ज़ियारत कीजिए, दुआएं आप मांग लीजिए खुद ही हमारी वीडियो द्वारा माशाल्लाह, और रोज़ इस तरह आप हमारी वीडियो जरिए से लाइव ज़ियारत करें और रोज़ के रोज़ माहौल की इंफॉर्मेशन करें आप। तो आपसे गुजारिश है आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि रोज़ हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार शरीफ की वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँ तो सीधे आपके मोबाइल पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए सुभान अल्लाह, मैं आपको यहाँ पास आ चुका हूँ, चलिए आगे ले चलता हूँ। जी आगे का भी मंजर आप देख लीजिए, जो आज पायती का मंजर कैसे है। और अभी मैं आपको आस्था शरीफ के 3 नंबर गेट के सामने लेके आया हूँ और अभी गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह। ये है गुम्बद शरीफ, ज़ियारत कीजिए और हुजूर गरीब नवाज़ से दुआएं मांग लीजिए आप, माशाल्लाह। आज 9 सितंबर है और 12 है जुम्मे के दिन, सुभान अल्लाह। ये देखिए 3 नंबर गेट आस्था शरीफ की, इसी गेट से भी आप अंदर जाते हैं ज़ियारत के लिए, देखिए किस तरह ज़ारीनी खजा अंदर जा रहा है आस्था शरीफ पे। और ये देखिए 3 नंबर गेट के सामने का मंजर, आज कैसे मंजर है सुभान अल्लाह। आज जुम्मे का दिन है, आप सभी लोग नमाज अदा कीजिएगा और दुआएं कीजिएगा जी। तो ये देखिए मैं आपको जन्नती दरवाजे के सामने ले चल रहा हूँ, तो जन्नती दरवाजे के सामने जाने से पहले का मंजर देखिए किस तरह ज़ारीन खजा आ रहा है, सभी आस्था शरीफ के अंदर जाएंगे ज़ियारत करेंगे सुभान अल्लाह। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, ज़ियारत कीजिए जन्नती दरवाजे को,
दुआएं मांगी जन्नती दरवाज़ा से। और देख लीजिए आज जन्नती दरवाज़ा को किस तरह जारी निखाजा ज़ियारत कर रहे हैं, और जन्नती दरवाजे के सामने का मंजर भी आज कैसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देख लीजिए सुभान अल्लाह जन्नती दरवाज़ा। अब माशाल्लाह अभी आपको शाहजानी मस्जिद के अंदर लिखे आया हूँ। शाहजानी मस्जिद के अंदर से ऊपर देखिए बड़ा पीर साहब की सिल्ला शरीफ जो तारागढ़ की पहाड़ जाते हुए आता है पैदल वाला रास्ता में, ये बड़ा पीर की सिल्ला शरीफ है जी। देखिए यहाँ का व्यू माशाल्लाह, ये शाहजानी मस्जिद के अंदर से खड़ा होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सुभान अल्लाह। और आज शाहजानी मस्जिद के अंदर कितने जारीन है, और आज पहली जमात इसी मस्जिद में होगा इंशाल्लाह, देख सकते हो जी। आज शाहजानी मस्जिद के अंदर मंजर कैसा है, कहाँ पर कितने जारीन है, देख लीजिए आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शाहजानी मस्जिद के अंदर की मंजर आप देखिए बहुत प्यारा मंजर है, और ये देखिए गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। और ये लिखी आया हूँ मैं आपको आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट के सामने, ज़ियारत कीजिए दुआएं मांगिए आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट को। और देखिए किस तरह लोग 4 नंबर गेट से बाहर आ रहा है आस्था शरीफ ज़ियारत करके है, सुभान अल्लाह, देख सकते हो आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है 4 नंबर गेट के सामने। चलिए आगे आपको बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कराते हैं, बना रही है जी। ये है बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ, ज़ियारत कीजिए। और देखिए यहाँ पर कितने ज़ायरीन कैसे ज़ियारत कर रहा है माशाल्लाह, ज़ियारत कीजिए दुआएं मांगिए। और बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के साथ साथ अम्मा जान के दरबार भी है जहाँ से मशक ढला जाते हैं, वो भी मैं आपको ज़ियारत करवाएंगे। पहले बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए आप। ये देखिए अम्मा जान के दरबार शरीफ, यहाँ पर मशक ढला जाते हैं सुभान अल्लाह, ज़ियारत कीजिए दुआएं मांगिए। उधर से भी आपको ज़ियारत कराते हुए लेके आया हूँ। तो इसी वीडियो में हम यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।